बस बस गोल है। क्या बात हुई कृष्णा जी, और किस तरह से आप लोगों ने फीडबैक दिया है? मैं तो जर्नली जैसे मिलने आई थी, बहुत दिन से उनसे मिली नहीं थी, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर हमारी बातें हुई। किस तरह का माहौल है अभी रातल पर जो आपने बताया? देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। मैडम, प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है, क्या ये चुनाव से पहले हर बार होता रहती है? ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है, वो सोचने के लिए एक विषय है। पहलवानों के आंदोलन का को आपने समर्थन दिया, कंटिन्यू जा भी रहे हैं, अभी स्थिति क्या, आपकी बात हुई होगी पहलवानों से? निश्चित तौर पर मेरी बात हुई है पहलवानों से, और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और मेरी वार्ता अनुसार उनका जो कहना है, उनके जो प्रोटेशन है, वो वैसा का वैसा चल रहा है। हेजिटेशन उनका लगातार चल रहा है, और काफ़ी बार मीडिया में फेक न्यूज़ भी आई तो उनका उन्होंने खंडन किया, और जो पूरी जो उनकी टीम जो धरना प्रदर्शन पर है, वो एकजुटता के साथ इसके खिलाफ अभी भी लड़ाई लड़ रही है। आप खड़े रहेंगे उनके साथ? निश्चित तौर पर मैं खड़ी रहूंगी उनके साथ, और ये एक महिला होने के नाते भी, एक एथलीट होने के नाते भी जांच का विषय है, और जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए हैं और जो मीडिया के माध्यम से भी सामने आए हैं, और सोशल मीडिया पे भी साथी खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बात बताई है, तो निश्चित तौर पर इसमें खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। और इस तरीके के अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कोई भी अपनी बच्चियों को खेलों में नहीं भेजेगा। वहाँ शहीद स्मारक पर भी इसको लेकर धरना दिया जा रहा, आप पहुँच रहे हैं वहाँ पे? जी हाँ, मैं कोशिश करूँगी। आज थोड़ा मेरी हेल्थ मुझे थोड़ा सा नहीं कर रही है, पर जैसे ही रहेगा, क्योंकि दिन भर का है, तो मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँचूँगी। जी भाई जी।